दोस्तों वीडियो तो लाखों लोग रोज YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई कितनी भी वीडियो अपलोड करता है उसके वीडियोस पे व्यूज नहीं जाते हैं, उसका चैनल ग्रो नहीं होता है, और कुछ लोग कुछ ही वीडियो अपलोड करते हैं और उनका चैनल तुरंत ग्रो हो जाता है। क्या आपकी वीडियो में कमी है या फिर आपके चैनल में कमी है? आखिर क्या ऐसी कमी है जिसके कारण वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है? दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके वीडियोस में आखिर कमी कहां पे है, और वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा, YouTube आपको खुद बताएगा। अब आप सोच रहे हो कि YouTube हमें कैसे बताएगा, तो दोस्तों YouTube आपको बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन आप नए होते हैं अगर किसी फील्ड में, किसी जगह पे आप अगर नए होते हैं तो उस चीजों की जानकारी आपको नहीं होती है। जैसे आप YouTube पे अगर नए हैं, आपको काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो YouTube पे नहीं बताऊंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने 6-7 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे ये बताने वाला हूं कि आपकी वीडियो में आखिर क्या कमी है, क्यों आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आपके वीडियो में कमी नहीं होती तो आपके भी वीडियोस पे व्यूज जरूर आते हैं। अब दोस्तों वो कमी क्या है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो चीज है मैं लाइव प्रूफ के साथ अपने आप मोबाइल फोन में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन को स्क्रीन पे ले आता हूँ और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और YouTube यहाँ पे आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना YouTube क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर लेंगे यहाँ पे आपको व्यू मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप व्यू मोर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे YouTube हर रोज डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है अपने क्रिएटर्स के लिए, YouTube पर भी और YouTube क्रिएटर स्टूडियो पे भी कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे में देखिए कि व्यूज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद टॉप वीडियो जो आपके टॉप वीडियो चले हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो, मतलब कि आपकी वीडियो को कैसे जो है व्यूअर फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि आपकी वीडियो कहाँ कहाँ से चल रही है। सबसे पहले ब्राउजर फीचर से आपकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब सर्च से आपकी वीडियो चल रही है, सजेस्टेड वीडियो से आपकी वीडियो चल रही है, अदर यूट्यूब फीचर से आपकी वीडियो चल रही है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जो मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताने वाला हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं ना तो आप 100% अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, आपको पता चल पाएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी है। अब यहाँ पे आपके चाहे जितने भी व्यूज आते हैं, 20, 30, 50, 40, 100, कितने भी व्यूज आते हैं, 1000, 2000, आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चलने वाली है। यहाँ पे देखिए की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस रिटेंशन, मतलब कि आपकी वीडियो को किस तरीके से ऑडियंस द्वारा देखा जा रहा है वो यूट्यूब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली चीज इंट्रोज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोज का मतलब क्या है, आपकी जो वीडियोस हैं उनकी सिर्फ इंट्रो देख के जो ऑडियंस भाग जा रही हैं वो यूट्यूब आपको वीडियोस दिखा रहा है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी वीडियो होती है कि हमने ओपन किया, थोड़ा सा देखा और देख के जो है भाग गए, तो वो वीडियो कौन सी है वो आपको यूट्यूब दिखा रहा है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, जो वीडियो जो है बहुत अच्छी नहीं होगी, उसमें कुछ यूजफुल जानकारियां नहीं होंगी, उसका इंट्रो देख के ऑडियंस भाग जाएगी। तो किन वीडियोज की इंट्रोज देख के आपकी ऑडियंस भाग रही है, किन वीडियोस में आपकी कमी है वो आपको YouTube यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी ये जो वीडियोस हैं इनका इंट्रोज देख के लोग भाग जा रहे हैं। कितने देर देख रहे हैं, मात्र 30 सेकंड, स्टिल वॉचिंग एट 0.30 सेकंड, मतलब कि मेरी वीडियो 8 मिनट 10 मिनट से कम की नहीं होती है, मिनिमम 5 मिनट की होती है, उसमें से 30 सेकंड ही लोग देख के भाग जा रहे हैं, मतलब कि इन वीडियोस में कमी है। अब इन वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं कि इन वीडियोस में आखिर क्या कमी है जिसके कारण ऑडियंस देख के भाग जा रही है। अब और भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि किन वीडियो में अच्छा कंटेंट है, किन वीडियो पे ऑडियंस रुक रही है, किन वीडियो पे ऑडियंस ज्यादा देर तक देख रही है, वैसा ही और कंटेंट मैं अपने चैनल पे बना पाऊं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टॉप मोमेंट। टॉप मोमेंट मतलब कि आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देर देखने वाले लोग जो है वो कौन से वीडियो पे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये 3 मिनट 11 सेकंड से लेके 13 मिनट 37 सेकंड तक इस वीडियो को देखा गया। मतलब कि यूट्यूब पर ये जो मैंने बताया है, यूट्यूब पे ये गलती करोगे तो इस वीडियो में कुछ खास बात है तभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा देखा है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि 0.31 सेकंड से लेके 8 मिनट 44 सेकंड तक सेकंड वीडियो को देखा गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.8 सेकंड से लेके, मतलब कि सबसे ज्यादा जो वीडियो टॉप मोमेंट्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेरे जिन वीडियो को देखा गया है वो वीडियो यूट्यूब मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है भैया कि ये वीडियो आपकी टॉप की अच्छी वीडियोस है जिसमें कुछ यूजफुल जानकारी है जिसे लोग इतने इतने देर जो है यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दोस्तों सेकंड चीज है। इससे आपको क्या समझना है कि मैंने जो वीडियो बनाई है, जरूरी नहीं है कि आपने जो भी वीडियो बनाई है सारी की सारी खराब है, सारी की वीडियो में कमी है। हो सकता है कुछ वीडियो में कमी हो, कुछ वीडियो अच्छे हो। जैसे कि हर किसी के चैनल पे होता है कि कुछ वीडियो पे थोड़े मोड़े व्यू चले जाते हैं और कुछ वीडियो पे नहीं जाते हैं। तो यूट्यूब आपको बता रहा है कि इस वीडियो को कितने देर से लेके कितने देर तक देखा गया है। तो आप इन वीडियोज में ये चेक कर सकते हैं कि 3 मिनट 11 सेकंड से लेके 13 मिनट 37 सेकंड तक आखिर मैंने क्या जानकारी दी है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या कंटेंट बनाया है जिसे लोगों ने पसंद किया है। उसके बाद 0.31 सेकंड से लेके 8 मिनट 44 सेकंड तक इस वीडियो में मैंने क्या दिया है, वैसे ही यहाँ पे 8 सेकंड से लेके 7 मिनट 23 सेकंड तक मैंने क्या जानकारी दी। इससे क्या होगा कि आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे, मतलब कि आपके कंटेंट को और भी अच्छा बना पाएंगे अपने ही वीडियोज देख के। अपने ही वीडियोस को जब देखेंगे कि अच्छा ये वीडियोस मैंने अच्छी बनाई है, मतलब कि ऐसे मुझे और वीडियोस बनाने हैं। तो ये जो है, ये चीजें अगर आप पकड़ लेते हैं ना तो आप अपने कंटेंट में 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइक्स, मतलब कि यहाँ पे जो है कौन सी आपकी वीडियो है जो जिसमें पकड़ बनाए हुए है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे पकड़ बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये जो वीडियोज हैं ये, इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा जो है देखा जा रहा है। उसके बाद डीप्स, मतलब कि गहराई से किन वीडियो को देखा जा रहा है, ध्यानपूर्वक किन वीडियो को देखा जा रहा है। यूट्यूब सोच लीजिए यहाँ तक भी पता लगा ले रहा है कि किस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, वो भी वीडियो यहाँ पे यूट्यूब आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों यूट्यूब जो है आज के डेट में काफ़ी एडवांस प्लेटफॉर्म बन चुका है और यूट्यूब खुद आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपको वीडियो को इम्प्रूव करना है, आपकी वीडियो में कौन सी वीडियो में कमी है, कौन सी वीडियो आपने अच्छी बनाई है, बुरी बनाई है, यूट्यूब आपको सब कुछ बता रहा है। तो दोस्तों अगर इन चीजों को आप समझ लेते हैं तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।